पूरा वेस्ट बंगाल में हमारा स्कूल में ही ये पहली बार होने जा रहा है। IKFF स्कूल सिनेमा का ही आइडिया है ये फिल्म फेस्टिवल। শুধু আমাদের স্কুলের বাচ্চারা না বাইরের বাচ্চারাও সুযোগটা পাক তাদের এজ ওয়াইজ মুভিজ দেখে কি বাচ্চों में ये अलग अलग जीवन कौशल को जो बढ़ाने के लिए लाइफ स्किल्स के लिए है सोसाइटी से वो कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हैं। नमस्कार 24/7 ताजा समाचारे समस्त दर्शक के एवं पाठक के जानाई अनेक अनेक शुभेच्छा भालोबाशा खूब भालो थाकुन स्टे ट्यून्ड ऑल द बेस्ट 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचारे समस्त दर्शक के जानाई अनेक अनेक शुभेच्छा 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जाना चांतरक शुभ। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। ईस्ट पॉइंट स्कूल इच्छापुर की ओर से आगामी 24 नवंबर को फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, यही वो ग्राउंड है जहाँ पे इसका आयोजन होने जा रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनिशा मैम। अनिशा मैम, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। ये फिल्म स्टडीज पढ़ाती है इस स्कूल में और आगे हम जानेंगे मैडम इसको किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा इस फिल्मोत्सव को। वेस्ट बंगाल में, पूरा वेस्ट बंगाल में हमारा स्कूल में ही ये पहली बार होने जा रहा है IKFF इंटरनेशनल किड्स फिल्म फेस्टिवल। पहले ऐसा पूरे वेस्ट बंगाल में किसी भी स्कूल में इतना बड़ा इवेंट का आयोजन नहीं हुआ है। बहुत बड़ा स्क्रीनिंग का व्यवस्था किया जाएगा। ऑलमोस्ट 400 सीटिंग कैपेसिटी होगा यहाँ पे और सिर्फ बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे नहीं, बाहर के बच्चे भी इक्वली वो लोग आ सकते हैं। स्कूल ऑफिस से वो लोग टिकट खरीद सकते हैं और वो लोग भी मूवीज देख सकते हैं। और सिर्फ बच्चे नहीं, हर एज के पर्सन, क्योंकि हम सबको ही पता है कि मूवीज, हम सब मूवीज जब भी, अभी भी अगर हम तारे जमीन पर या कोई भी मूवीज देखते हैं तो हम रोज कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो नया मूवीज आ रहा है, जो भी मूवीज आते हैं, हम कार्टून्स भी देखते हैं, मैं अभी भी देखती हूँ कार्टून्स। सो बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही उन मूवीज से सीखेंगे, किसी भी एज का लोग कोई भी आएंगे तो वो आएंगे, वो देखेंगे। और जैसे कि हम सबको पता है कि फिल्म फेस्टिवल है तो पूरे दुनिया के जो भी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के मूवीज है वो सब ही दिखाया जाएगा। बहुत सिलेक्टिव, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सिलेक्ट किए हैं हर एक मूवीज को और कुछ नया होने वाला है और वो तो देख, आप लोग सबको पता चल ही जाएगा। 24 नवंबर से 27 नवंबर 4 दिन का होगा और हर दिन 2 शोज है। स्कूल की प्रवक्ता रुमेला बोस इस वक्त हमारे साथ है। पहले तो हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपको भी, हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम। मैं पूछना चाहूंगा कि ये सोच किस तरीके से आप लोगों के दिमाग में आई? अच्छा, एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल का जो ये बात आया है ये अभी बस 2-4 दिन में आया ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल के साथ LXL आइडियाज स्कूल सिनेमा का कोलैबोरेशन इस सेशन के स्टार्टिंग में हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे एट सम इंटरवल ऑफ टाइम बच्चों को एक करके मूवी दिखाया जाता है। उसके बेसिस पे बच्चे क्या समझे, उन्होंने क्या गेन किया, वो टीचर्स के साथ शेयर करते हैं। तो उन्हीं का ये आइडिया है, स्कूल सिनेमा का ही आइडिया है ये फिल्म फेस्टिवल। अब जो बात है कि देखिए, बच्चे तो स्कूल फेस्टिवल में जा नहीं सकते ना सिनेमा के लिए, तो फेस्टिवल को हम लोगों ने यहाँ लाने का प्लान किया। हमारे स्कूल ने ग्राउंड ऑफर किया, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल ग्राउंड है, बड़ी ग्राउंड। हाँ, और दिस इज क्वाइट अ गुड प्लेस कि जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए। इसी चलते ये आइडिया आया कि अगर हम ऐसा एक्सपोजर हमारे बच्चों को देंगे, बच्चे कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, उसके साथ साथ गार्जियन भी कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके अलावा भी बिकॉज ये ओपन टू ऑल है, इसीलिए जो भी ये चाहे कि वो ये
भी फेस्टिवल का ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं वो हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए ये आइडिया हमारे पास आया। इस वक्त शांति धर हमारे साथ मौजूद है, मैडम इस फिल्म उत्सव के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, প্রথমে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ স্কুলে আসার জন্য। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে IKFF ইন্টারন্যাশনাল কিডস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, যেখানে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে বাচ্চাদেরকে মোটিভেট করা এবং প্রত্যেকটা এজ গ্রুপ ওয়াইজ আমাদের এখানে মুভি সিলেকশন করা হয়েছে। এখানে চারটি স্লট, মানে চার দিনের প্রোগ্রামস রয়েছে, প্রত্যেক দিন দুটো করে স্লট রয়েছে। এরকম অনেক সময় হয় যে আমরা অনেক সময় যাই না মুভিজ দেখতে, তো একটা সিনেমা হলকে আর্টিফিশিয়ালি কৃত্রিমভাবে তৈরি করার চেষ্টা করতে জানি না কতটা সফল হব, বাট চেষ্টা তো করছি। তো সেই দিক থেকে দাঁড়িয়ে আমরা চাই প্রত্যেক, শুধু আমাদের স্কুলের বাচ্চারা না, বাইরের বাচ্চারাও সুযোগটা পাক তাদের এজ ওয়াইজ মুভিজ দেখে নিজেদেরকে আরও মোটিভেট করা। এবং এই মুভিজগুলো এমনভাবেই সিলেক্ট করা হয়েছে যে শুধুমাত্র যে বাচ্চারা ইন্টারেস্ট পাবে তা নয়, যে কোনো বয়সের মানুষ দেখলে পরেই ইন্টারেস্ট পাবে। এমন অনেক মুভিজ আছে যেটা বড়রা বোঝে বাচ্চারা বোঝে না, কিন্তু এমন অনেক বাচ্চাদের মুভিজ থাকে যেগুলো একদম জুনিয়র থেকে অ্যাডাল্ট সবাই বুঝতে পারে। তো আমাদের উদ্দেশ্যটাই সেটা, যাতে প্রত্যেকে এনজয় করে এবং এনজয়ের মাধ্যমে কিছু মোরাল ভ্যালুজ নিয়ে যেতে পারে, যার ফলে তারা তাদের নিজেদের ডেইলি লাইফে সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। এবং ওই যেটা বলছিলাম একটু আগে যে কিছুতে কিছু যদি শিখে যেতে পারে সেটা আমাদের স্পাইন স্কুলের জন্য বিশাল বড় একটা আছে। কোন কোন সি ফিল্মে মতলব দিখাই জায়েঙ্গি ये हम अभी नहीं बोल सकते, ये चीज अभी हम नहीं बता सकते, बट इतना हम गारंटी दे सकते हैं कि जो भी जितना भी मूवी दिखाया जाएगा, जो आठो मूवीज दिखाया जाएगा, हर एक मूवीज में बच्चे बड़े सब कुछ कुछ सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सबको पता है कि फिल्म फेस्टिवल में जो होता है वो पहले से हम नहीं बता सकते, कोई मूवीज का नाम हम पहले से ऐसे अनाउंस नहीं कर सकते, तो वो उसी दिन देखने को मिलेगा। बट इतना हम जरूर बोल सकते हैं कि हर एक मूवीज में हर किसी को सीखने में कुछ नया मिलेगा। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब राउरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। इस वक्त इंदु शाह हमारे बीच मौजूद है, मैडम इस फिल्मोत्सव से कितनी उम्मीदें रखते हैं आप? बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि बच्चे हमारे कहीं दिशा निर्देश जो है इधर से उधर भटक रहे हैं, वो हर समय मोबाइल पे रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मोबाइल से ही इन लोगों को एक नई दिशा मिले और यहाँ से वो कुछ सीख कर कुछ अपना लॉन्च करें। इसके लिए इन्होंने IKFF से हमें जो साथ सहयोग मिला है उसमें हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि हमें वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप कराएंगे, और हम लोग के जो बच्चे हैं सिलेक्टिव बच्चे जो भी इस दिशा में जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे, उसका सिलेक्शन होता है तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि उसे विदेशी प्लेटफॉर्म पे भी उसे एक फिल्म बनाने का मौका मिलेगा। तो कितने बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है फिल्म स्टडीज के बारे में? फिल्म स्टडीज देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली फिल्म स्टडीज एज अ सब्जेक्ट हम लोग अभी तक नहीं लाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है कि हम लोग बच्चों को सिनेमा दिखाते हैं, जिसका मेन मोटिव हमें ये रहता है कि बच्चे कुछ सीखे, मोरल वैल्यूज, कुछ एथिक्स, कुछ कल्चर। क्या होता है एक्चुअली कि हम बच्चों को कुछ, वो लोग गलत करते हैं ना तो हम लोग उनको डांटते हैं कि ये मत करो वो मत करो, और हम एज ह्यूमन बीइंग्स ऐसे वायर्ड होते हैं कि ना हमको कोई बार बार ना 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 बोले तो हम वही करते रहते हैं। और हम लोग अगर बार बार बच्चों को टोकेंगे भी ना तो वो लोग एक एक टाइम के बाद सुनना बंद कर देंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये स्कूल सिनेमा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा लगा। ये स्कूल सिनेमा से वो लोग मोरल्स और एथिक्स सीख रहे, क्योंकि वो जब देख रहे हैं वो उस पे मतलब एनग्रॉस्ड हो रहे हैं, तो कुछ तो उनको समझ में आ रहा है। उसके बाद उसी बारे में जब वो लोग बात कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये बात है। और जहां तक फिल्म स्टडीज का बात कर रहे हैं, यस वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो स्कूल सिनेमा का जो उनका कंपनी है उनके तरफ से है, वो ये बाद में बच्चों को शेयर किया जाएगा इन्फॉर्मेशन। ये अभी जो IKFF का इवेंट है उस इवेंट के बाद यहाँ पे वर्कशॉप्स का अपॉर्चुनिटी है, फ्री वर्कशॉप्स है, फिल्म मेकिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा बच्चों को, एंड बेस्ड ऑन दैट देयर आर मोर स्टेप्स टू इट जो धीरे धीरे डिस्क्लोज किया जाएगा। ये प्राइसिंग कितनी हो जाएगी? टिकट का प्राइसिंग फिलहाल अभी तक 80 रुपीज, हाँ बहुत ही रिजनेबल है, विद इन 100 के ऊपर, सबके लिए बजट फ्रेंडली भी रहेगा। 80 रुपीज टिकट के प्राइस फिलहाल अब तक के लिए। संवाददाता सम्मेलन के दौरान आप बच्चों को लेकर कुछ अन्वेषण करने की बात कह रही थी,
उस अन्वेषण के बारे में कुछ बताइए मैम। बच्चों के साथ में क्या है कि यहाँ पे जो तैयारी चल रही है हमारे, इसमें सबसे अच्छा जो IKF में जो हमें जो लगता है कि बच्चों में ये अलग अलग जीवन कौशल को जो बढ़ाने के लिए, लाइफ स्किल्स के लिए है, सोसाइटी से वो कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हैं, रहते इसी में है लेकिन उनकी कोई भावनात्मक उन लोगों का लगाव नहीं है। फिल्म जब देखिएगा तब उसमें आप देखेंगे कि फिल्मों में छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपने बड़े बुजुर्ग को हेल्प करना और किस तरह से यहाँ से लेसन प्राप्त करके, किस तरह से शिक्षा प्राप्त करके वो लोग अपने आगे को अपनी ही जो समस्याएं हैं वो खुद सुलझाते हैं, और ये सुलझाने का ये लर्निंग जो आउटकम्स जो आता है वो सारा का सारा इस IKF से हमें प्राप्त हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर अगर आ जाता है तो हमारे बच्चे निश्चय जो अभी थोड़ा सा भटकाव की तरफ में है वो कहीं ना कहीं एकदम सही दिशा में जाएंगे, ऐसा हम ये उम्मीद सोच है, ये हमारी सोच है, उम्मीद है और विश्वास भी है कि कहीं ना कहीं ये सच ही होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने फिल्में देखी है, छोटी छोटी फिल्में हैं जिसमें विकलांग बच्चों की भी फिल्में हैं, वो किस तरह से मोटिव होते हैं, किस तरह से अपने कार्य खुद करते हैं, हमारे यहाँ बच्चे बहुत अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एक ही बार चैलेंज में सुसाइड तक की बात सोचते हैं, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं है, वहाँ पे लड़ने की क्षमता सिखाई गई है, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी है और हमारे बच्चों के लिए खासकर उपयोगी है। 24x7 ताजा समाचार सकल दर्शक के आमार पक्ष থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।